हेलो किडोस, आज हम करेंगे क्लास 3 इंग्लिश ओलंपियाड की ये वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 11, मैच वन पार्ट ऑफ द स्पेलिंग विद अनदर, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ देखो लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 दिया है। एक वर्ड को इन्होंने ब्रेक कर दिया है दो पार्ट में और हमको इसको ज्वाइन करना है, मीनिंगफुल वर्ड से ज्वाइन करना है। तो ए देखो, PRU, प्रू, और इसको किससे ज्वाइन करेंगे, डेंट, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, समझदार। अब बी देखो, CH, इसको किसे मैच करेंगे, URN, चर्न। मामा को देखा होगा ना ऐसे दही चलाते हुए, उसको हम बोलते हैं चर्न। सी WA, और इसको मैच करो SP, वास्प। येल्लो कलर की बर्र देखी है ना, जो बहुत गंदा काटती है, वास्प। देन ES, इसको मैच कर दो TATE, एस्टेट। एस्टेट का मतलब होता है जागीर, बहुत बड़ा लैंड का एरिया, एस्टेट। तो इसका ऑप्शन बना 3142, विच इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम ही है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को हमको मैच करना है। तो फर्स्ट इज एक्स, EX, इसको मैच कर दो PLORE, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब घूमना, किसी चीज़ के बारे में पता करना, एक्सप्लोर करना। नंबर बी SECURE, सिक्योर। सिक्योर का मतलब सेफ, सुरक्षित। नंबर सी PINCH, पिंच। पिंच मतलब चूटी काटना, नोच देना। एंड डी WHILE, वाइल, उस समय तक, जब तक। तो इसका हमारा पैटर्न बना 4123, विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी हमको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। MI को मैच करेंगे NCE, मिंस मतलब छोटे 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 टुकड़े कर देना। अब बी को देखो, बी में दिया है SH, EATH से मैच करेंगे शीत। शीत का मतलब होता है म्यान, जैसे पहले राजा महाराजा म्यान में से तलवार चाकू निकालते थे ना, म्यान। एंड सी इज FOR, इसको मैच कर दो SAKE, फॉरसेक, त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, फॉरसेक। एंड डी SE, इसको मैच कर दो PARATE, सेपरेट, अलग हो जाना, अलग कर देना। ये हमारा पैटर्न बना 2143, विच इज़ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमको सेम ही करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ए देखो, DE, इसको मैच करेंगे FEND, डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, सेव करना। ऑप्शन बी AC, इसको मैच करेंगे CELARATE, एसेलरेट। ये हमने कार में देखा होगा, बाइक में देखा होगा, एसेलरेटर होता है ना, स्पीड बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, एसेलरेट, तेज़ कर देना स्पीड को। सी PO, इसको मैच करेंगे NDER, पॉन्डर। पॉन्डर मतलब सोचना, थिंक। एंड डी EQ, इसको मैच करेंगे UATER, इक्वेटर। इक्वेटर होती है एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को नॉर्थ हेमिस्फेयर साउथ हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। और इसका हमारा पैटर्न बना 4123, विच इज़ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, स्पेल द वर्ड करेक्टली यूजिंग द पिक्चर क्लूज। अब हमको यहाँ पे ये पिक्चर दी है ना, इसको देख के बताना है इसमें से करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो पिक्चर किसकी है, ये राइनो की पिक्चर है ना, इसको हम राइनो बोलते हैं शॉर्ट में, लेकिन इसका पूरा नाम होता है राइनोसिरस। और इसकी स्पेलिंग होगी, तो पहले तो राइनो RHINO, फिर सिरस, ऑप्शन डी वाला। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, हमको यहाँ पे एक स्कल्पचर दिया हुआ है। स्कल्पचर मतलब मूर्ति, और ये मूर्ति कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये है न्यूयॉर्क US के अंदर। अब इसमें से करेक्ट स्पेलिंग बताओ कौन सी है, SCULPTURE, ऑप्शन बी वाली है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, हमें ये क्या पिक्चर दी है, ये दी है बिजली कड़क रही है, इसको हम बोलते हैं लाइटनिंग। तो लाइटनिंग की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, पहले तो लाइट LIGST, लाइट, निंग NING, निंग, यह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, यहाँ हमें दो पिक्चर दी है। ये वाली पिक्चर है हमारे एक्स प्रेसिडेंट की, मिस्टर रामनाथ कोविंद, और ये है अभी हमारी करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। और प्रेसिडेंट की स्पेलिंग होती है PRESIDENT, ऑप्शन डी वाला। क्वेश्चन नंबर 19, दिस ग्रिड हैज़ वर्ड विच फॉलोज द रूल I बिफोर E, हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन फाइंड इन द ग्रिड। ये जो बॉक्स दिया है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें कि I जो है वो E से पहले आएगा, IE वाले वर्ड्स ढूंढने हमको। तो मैं आपको एक बताती हूँ, इसमें लास्ट रो देखो,
आर ई एल आई ई वी ई रिलीव वर्ड बन रहा है ना, और देखो आई जो है वो ई से पहले है, तो ये तो हो गया एक वर्ड। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि आप मुझे ढूंढ के कमेंट सेक्शन में बताओगे, और मैं जा रही हूँ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ए, स्पेलिंग ऑफ बिलीव इज बी ई एल आई ई वी ई, और बी में दिया है स्पेलिंग ऑफ बिलीव इज बी ई एल ई आई वी ई। बिलीव का मतलब होता है विश्वास, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ए वाली, बी ई एल आई ई वी ई। सो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो का लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।